2017 में घर घर नौकरी के वादे के साथ पंजाब में कांग्रेस सरकार सत्ता में आई थी, लेकिन इस सरकार के कार्यकाल के दौरान हुए विवादों को देखकर लगता है कि ये नारा आम जनता के लिए नहीं बल्कि कांग्रेस के विधायकों और मंत्रियों के घर के लिए था। पंजाब में जब से चरणजीत सिंह चन्नी ने सीएम की कुर्सी संभाली है, तभी से प्रशासनिक नियुक्तियों को लेकर कोई ना कोई पेंच फंसता जा रहा है। पहले पंजाब के एडवोकेट जनरल के पद पर एपीएस देओल की नियुक्ति को लेकर नवजोत सिंह सिद्धू ने पेंच फंसाया, और अब एडिशनल एडवोकेट जनरल की नियुक्तियों के बाद भी पंजाब सरकार पर उंगलियां उठनी शुरू हो गई हैं। क्या है ये पूरा मामला, इस पर होगी विस्तार से बात। नमस्कार, मेरा नाम है भूपेंद्र सोनी और आप देख रहे हैं अनकट। सोमवार को पंजाब सरकार द्वारा एडवोकेट जनरल के ऑफिस के लिए 5 वकीलों की नियुक्तियां की गई। इस लिस्ट में पहला नाम है मुकेश चंद्र बेरी का, जिन्हें एडिशनल एडवोकेट जनरल नियुक्त किया गया है। दूसरे हैं सुमित महाजन, जिन्हें सीनियर एडिशनल एडवोकेट जनरल नियुक्त किया गया। तीसरा नाम है आदिल सिंह बोपाराय, एडिशनल एडवोकेट जनरल। चौथे रेहतबीर सिंह मान, डिप्टी एडवोकेट जनरल। और पांचवा नाम है तरुणवीर सिंह लेहल का, जिन्हें एडिशनल एडवोकेट जनरल नियुक्त किया गया है। ये जो पांचवें शख्स का नाम हमने लिया, इन्हीं को लेकर पंजाब में नया विवाद शुरू हो गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि तरुणवीर सिंह लेहल आखिर हैं कौन। असल में तरुणवीर सिंह पंजाब के डिप्टी सीएम सुखजिंदर सिंह रंधावा के जवाई हैं, यानी उनकी बेटी के पति, और रंधावा और लेहल के बीच रिश्ते की वजह से इस नियुक्ति पर उंगलियां उठाई जा रही हैं। लेकिन पंजाब में मंत्रियों के रिश्तेदारों को नौकरी देने का ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले अमरिंदर सिंह भी ऐसी ही नियुक्तियों को लेकर विरोध झेल चुके हैं, और मुद्दे की बात तो ये है कि उस वक्त अमरिंदर की खिलाफत करने वालों में आज के डिप्टी सीएम सुखजिंदर सिंह रंधावा साहब पार्टी में सबसे आगे थे। इसी साल जून में कैप्टन अमरिंदर सिंह की कांग्रेस सरकार में 2 लड़कों की नियुक्ति नायब तहसीलदार और इंस्पेक्टर के तौर पर हुई थी। नियुक्तियां तो आम ही थी, लेकिन ये दोनों लड़के खास थे। इनमें से एक लुधियाना नॉर्थ के कांग्रेस एमएलए राकेश पांडे का बेटा था और दूसरा कादियां से विधायक फतेह सिंह जंग बाजवा का बेटा, जिसके चलते विरोधियों ने कैप्टन सरकार पर जमकर निशाना साधा और कांग्रेस के विधायकों ने भी इन नियुक्तियों को गलत ठहराया। हालांकि बाद में फतेह जंग बाजवा के बेटे ने नौकरी लेने से इनकार कर दिया था। जब इसी साल पंजाब के रेवेन्यू मिनिस्टर गुरप्रीत कांगड़ के सन इन लॉ को एक्साइज एंड टैक्सेशन विभाग में इंस्पेक्टर पद पर नियुक्त किया गया, तब आज के डिप्टी सीएम रंधावा साहब द्वारा दी गई स्टेटमेंट को जरूर सुना जाना चाहिए। इस नियुक्ति को लेकर रंधावा ने कहा था, जो नौकरी के अधिकारी हैं उन्हें उनका हक मिलना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि मंत्रियों के परिजनों को नौकरी देने से पहले हमें सामान्य उम्मीदवारों को प्राथमिकता देनी चाहिए। हम जनप्रतिनिधि हैं और हमें पहले जनता के बारे में सोचना चाहिए, ना कि अपने बच्चों के बारे में। हाँ, जिस लड़के को नौकरी दी गई है वो इसका अधिकारी था, क्योंकि उसके पिता की मृत्यु हो गई थी, लेकिन हमारी सरकार को उसे ये लाभ उस समय देना चाहिए था जब उसने नौकरी के लिए आवेदन किया था। लेकिन आज यही बात जब रंधावा के अपने परिवार पर आई तो वो बिल्कुल चुप हैं। हालांकि पीटीआई से बात करते हुए रंधावा के जवाई तरुणवीर सिंह लेहल ने अपना पक्ष रखा है, जिसमें उन्होंने कहा कि ये नियुक्ति मेरिट के आधार पर हुई है और वो पिछले 13 साल से हाईकोर्ट में वकील हैं। और अगर किसी का सन इन लॉ होना नेगेटिव बात है तो मुझे नहीं पता कि मैं क्या कहूँ। खैर, अकाली दल और आम आदमी पार्टी को भी बैठे बिठाए कांग्रेस को घेरने का मौका मिल गया है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि चन्नी भी अब अमरिंदर सिंह के नक्शे कदम पर है, और वहीं अकाली दल के नेता सुखबीर बादल ने कहा कि कांग्रेस की घर घर नौकरी स्कीम नेताओं के बच्चों के लिए ही है। वो अपने घर घर नौकरी का जो ना वादा है वो पूरे कर रहे हैं। उन्होंने कैबिनेट मिनिस्टर बुलाया, दसो थोड़े घर च किनू नौकरी की लोड़ है। कांग्रेस ने अपने मंत्रियों के घर की नौकरी देनी है तो MLA के घर नौकरी दे रहा है। यह तो वड्डा धोखा की हो सकता है पंजाब की जनता नाल कि कांग्रेस अपने मंत्री अपने बच्चों को नौकरी लाई जाती। वैसे ये विवाद तो चलते ही रहेंगे, लेकिन जाते जाते ऐसी ही कुछ अहम नियुक्तियों के बारे में और जान लीजिए जिसको लेकर पंजाब में विवाद हुआ था। साल 2018 में पंजाब के चीफ मिनिस्टर रहे बेअंत सिंह और पंजाब के लुधियाना से कांग्रेस MP रवनीत सिंह बिट्टू के भाई गुरिकबाल सिंह को DSP पद पर नियुक्त करने पर भी विवाद हुआ था। ऐसे ही एक विवाद से नवजोत सिंह सिद्धू भी दो चार हो चुके हैं,
जब साल 2018 में उनके बेटे करण सिद्धू को पंजाब सरकार द्वारा असिस्टेंट एडवोकेट जनरल नियुक्त करने का फैसला लिया गया था। साथ ही सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर सिद्धू को भी वेयर हाउस कॉरपोरेशन का चेयरपर्सन नियुक्त किया गया था। हालांकि बाद में दोनों ने ही पद संभालने से मना कर दिया था। अब इस सारी कहानी के बाद आप ये समझ ही गए होंगे कि पंजाब सरकार का घर घर नौकरी का वादा विधायकों और मंत्रियों के परिवारों के लिए कितना सार्थक सिद्ध हो रहा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और जानकारी से भरे ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल अनकट।